एक्सरसाइज 4.8, इसमें भी हम इक्वेशन को सॉल्व ही करेंगे। जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हमने किए हैं इस चैप्टर में। हमने इसे फैक्टराइजेशन के साथ भी सॉल्व किया है, हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वेयर के साथ भी सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ भी सॉल्व किया है। इसके अलावा और भी डिफरेंट इक्वेशन आई हैं जिसे हमने डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व किया है। अब भी हम इसमें भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 6, 1 2 6 इसमें लीनियर, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर से हम वैल्यू फाइंड करेंगे और इसे क्वाड्रेटिक में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो 2x-y=4 है, एंड जो क्वाड्रेटिक है ये है 2x²-4xy-y² =6 है। अब इसमें अगर मैं फर्स्ट वाले में से वैल्यू फाइंड करूं, इसका नाम मैं 1 रखता हूं, इसका नाम मैं 2। फर्स्ट में मेरे पास अगर मैं वाई की वैल्यू फाइंड करता हूँ, -y=4-2x, एंड वाई इक्वल टू, अगर मैं वाई की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करूँ तो ये आएगा 2x-4। अब यही जो वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आएगा 2x²-4x, एंड वाई की प्लेस पे हम पुट कर देते हैं 2x-4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं देन 2x²-8x²-16x, देन अगर मैं इसका स्क्वेयर ओपन करता हूँ, a²+b²-2ab, 2 × 2x and 4, a-b² हमने फार्मूला ओपन कर दिया है। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x²-8x²+16x-4x-16 एंड माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, +16x=0। अब मैं अगर इसमें से ये वैल्यू देखता हूँ, सबसे पहले मैं x² की वैल्यू चेक कर लूँ, -8 + 2, -8 + 2 = -6x². अब x की वैल्यू चेक करते हैं, 16x + 16x + 32x, 16 + 16 = 32, एंड -4, 32 - 4x भी है, देन -16। =0। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं देन -6x²+28x-16 = 0। अगर इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूं देन 3x² + -14x एंड -8 = 0, इक्वेशन आ गई है 3x²-14x + 8 = 0। अब इसमें से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर मैं इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करूं तो मल्टीप्लाई करने से 8 × 3 = 24, और प्लस माइनस करने से हमारे पास -14 आना चाहिए, तो ये इसके कोई फैक्टर नहीं बनते। तो इसमें मैं ये करूँगा, ए को 1 के इक्वल रखता हूँ, बी को -14 के इक्वल एंड सी को 8 के इक्वल। इस पर अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है -b+-b²-4ac/2a। -b प्लस 14
प्लस माइनस 14 का स्क्वायर लेंगे, 196 आएगा माइनस 4, ए की प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, सी की प्लेस पे हम 8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2a, 14 प्लस माइनस 196 माइनस 32 ओवर 2। सेम इसी तरह अगर हम 196 में से 196 माइनस 32 164 अगर हम इसका अंडर रूट ले लें, ये हमारे पास आ रहे हैं 14 प्लस माइनस 164 का अंडर रूट ओवर 2। अंडर रूट 164 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक दफ़ा हम 14 में से प्लस कर देंगे, अगर हम 14 में से प्लस करते हैं 14 प्लस 12.8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13.4। एक दफ़ा मैं एक्स में से इसकी वैल्यू माइनस कर दूं, 14 माइनस 12.8 डिवाइडेड बाय 2 0.6। एक्स की दो वैल्यू आ चुकी हैं। अब यही मैं अगर एक्स की वैल्यू, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो वाई की भी मेरे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, पॉइंट में आ रही हैं, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, देन y इक्वल टू, पहले मैं x की फर्स्ट वैल्यू 13.4 करूँ, 213.4 माइनस 4, और दूसरी y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 20.6 माइनस 4। सिंप्लीफाई करने से y की भी दो वैल्यू आ जाएंगी, x की भी दो आई हैं, y की भी दो आई हैं, तो हम फिर इसे पेयर वाइज लिख लेंगे। अब मैं अगर इसी का आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं इसी मेथड के साथ। अगर हम इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, एंड सेकंड है 3x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2y स्क्वायर। 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 3x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2y स्क्वायर। हाँ जी, अगर इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, 3x इक्वल टू 7 माइनस 2y, एंड x इक्वल टू 7 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3, ये x की वैल्यू आई है। अगर यही x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ सेकंड में, सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 25, हम रहने देते हैं। अब जहाँ पर x लिखा है उसकी प्लेस पे मैं पुट कर दूंगा 7 माइनस 2y ओवर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एक 3 से कैंसिल कर देते हैं, देन 7 स्क्वायर 49 प्लस 4y स्क्वायर, 72 इंटू 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 28y डिवाइडेड बाई 3, 49 प्लस 4y स्क्वायर,
टू ए बी माइनस टू ए बी किया, टू को सेवन से मल्टीप्लाई किया, फोर्टीन, फोर्टीन को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो -28। अब -28 डिवाइडेड बाई 3 देन देखेंगे तो -2y² = 25। अब मैं अगर इसका एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम आ रहा है 3 के, तो ये आ रहा है 49 प्लस 4y² माइनस 28y, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -6y² = 25। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 4y² है प्लस 6y² है तो -2y² आ रहा है, देन -28y, देन +49 = 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं -2y² - 28y +49 - 75 = 0, तो 75 में 49 माइनस करते हैं, 1 कैरी करेंगे 15, 15 में से 9 माइनस कर रहे हैं तो 6, देन 6 में से 4 कर रहे हैं तो 2, -26 -2y² - 28y एंड +-26 = 0। तो इसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं देन y² + 14y एंड +13 = 0। अब इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y -b, यानी ये -2 इधर जाकर 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो -b यानी -14 प्लस माइनस b² 14 का स्केयर -4ac 4 × 1 × 13 डिवाइडेड बाई 2a 2 × 1, तो ये y की वैल्यू आ रही है -14 प्लस माइनस 196। 13 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 52 डिवाइडेड बाई 2, सेम इसी तरह 196 144 आ रहा है। -14 प्लस माइनस 144 डिवाइडेड बाई 2। अब 144 का अगर हम अंडर रूट लें तो ये किसके, ये 12 के इक्वल आएगा, तो y की वैल्यू आ रही है -14 प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा हम इसे -14 प्लस 12 करेंगे तो -2/2 आएगा, और दूसरी दफ़ा -14 - 12 तो देन -26/2। एक y का आंसर -1 आ रहा है, देन एक दफ़ा y की वैल्यू -13 आ रही है। तो हमने यहाँ से देखा है हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई हैं, एक y की वैल्यू -1 के इक्वल आ रही है, देन अदर y की वैल्यू -13 के इक्वल आ रही है। अगर वही y की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँ 7 - 2, y की प्लेस पे मैं -1 पुट करता हूँ ओवर 3, तो ये 7 + 2/3 9 / 3 = 3, x की वैल्यू आ गई 3। अगर मैं y की प्लेस पे -13 पुट करता हूँ देन y का आंसर दूसरा आया -13, तो 7 - 2 - 13/3, 7 + 26/3, तो 26 में से अगर हम 7 प्लस करते हैं देन आंसर इज 34/3। तो इसमें से अगर मैं पॉइंट देखूंगा, सबसे पहले अगर x की वैल्यू मेरी 3 थी, x की वैल्यू 3 है, तो देन y की वैल्यू किसके इक्वल थी -1। अगर हम इसमें से इसी में से x की वैल्यू 3 है
एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ ना, अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है तो वाई की वैल्यू -1 है। अब इसी तरह एक दफ़ा इसको अगर पॉइंट की शेप में लिखें, एक्स की प्लेस पे मैं 3 लिखता हूँ, वाई की -1 है, देन फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -13 है, दूसरा पॉइंट बन सकता है। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू 34/3 है तो वाई की वैल्यू -1 है, फिर अगर एक्स की वैल्यू 34/3 है देन वाई की वैल्यू -13 है। ये 4 पॉइंट आएंगे। नेक्स्ट अगर हम इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6, एक लीनियर थे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म थी। अगर क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम चेक करते हैं तो इसमें भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक है। 7 वाला चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 5, देन 2x इक्वल टू वाई प्लस 6। अगर इसे हम देखें तो अगर मैं y की यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो y आएगा 6 माइनस 2x के। तो अगर मैं y की प्लेस पर अगर यहाँ पे पुट कर दूँ x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड माइनस 6x प्लस 36 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। अब अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 माइनस 30x, देन 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 इज 45 इक्वल टू 0। ये आ रहा है 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से मैं 5 कॉमन लूँ देन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखें तो ये हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से 9 आए और प्लस माइनस करने से माइनस 6 आए। तो सबसे पहले हम फैक्टर देख लेते हैं, तो फैक्टर इसके बन रहे हैं माइनस 3 एंड माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स मैं कॉमन ले लूँ, एक्स माइनस 3 माइनस 3 कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 3। एक दफ़ा एक्स की वैल्यू 3 आ गई है देन अदर एक्स की वैल्यू 3 आ गई है, यानी एक्स की वैल्यू मैं देखूँ तो एक्स की मेरे पास दो वैल्यू आई हैं, एक एक्स की वैल्यू 3 आई है, सेकंड भी एक्स की वैल्यू 3 ही आ रही है। और वाई की देखें तो वाई किसके इक्वल है, वाई हमारे पास है 6 माइनस 2x के। इसमें मैं अगर पहले x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल आ रही है एट x इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू मैंने 3 पुट की है देन y की वैल्यू 0 के इक्वल आई है। देन दूसरा हम देखते हैं, दोबारा अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे तो फिर भी वाई की वैल्यू 0 ही आएगी। इस तरह नेक्स्ट भी 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं सेम पॉइंट है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 आई है तो देन वाई की वैल्यू भी सेम ही 0 के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 8, 9, 10 ये सेम है।